हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनुभव माय कुकिंग एक्सपीरियंस। आज हम बनाएंगे एक डिजर्ट, एक इंडियन डिजर्ट बनाएंगे, शाही टुकड़ा। वैसे तो नाम से तो ये लगेगा कि ये जो है एक रॉयल डिश है, लेकिन ये रॉयल डिश नहीं है। इसके लिए हमने ये ब्रेड लिए हैं और ब्रेड्स के हम साइड्स जो है वो हटा देंगे। ये डिश जो है एक रॉयल डिश की कॉपी है। पहले जो है नवाबों के टाइम में ये डिश बनाई जाती थी, लेकिन नवाबों के टाइम में जो है ब्रेड नहीं थी। ब्रेड बहुत बाद में आई है इंडिया में, अंग्रेजों ने इसे फेमस किया है। वैसे आ तो ये पहले गई थी पुर्तगालियों के साथ, लेकिन ये फेमस अंग्रेजों के टाइम से हुई है। तो पहले एक डिश बनाई जाती थी, बलाई जिसे बोलते थे। ये देखिए, इस तरीके से हमने ये ब्रेड जो है इनके साइड हटाकर इन्हें ट्रायंगल में काट लेना है। इसे हम हटा देंगे क्योंकि ये टूट गई है। बाकी की ब्रेड को हम इस तरीके से सबके साइड्स काट कर और ट्रायंगल बना लेंगे। तो मैं बता रही थी आपको, पहले एक डिश होती थी नवाबों के टाइम में, लखनऊ में ये डिश होती बनाई जाती थी, बलाई। बलाई जो है वो मलाई की एक लेयर बनाई जाती थी, उसके ऊपर रबड़ी डाली जाती थी, ड्राई फ्रूट्स डाले जाते थे, मिश्री डाली जाती थी और वो बनाई जाती थी। लेकिन वो डिश जो है कॉमन मैन के से पहुंच से बाहर थी, वो बहुत महंगी होती थी डिश। तो इसलिए कॉमन मैन ने उस डिश में मलाई की जगह ब्रेड यूज करनी शुरू कर दी। तो इसलिए ये जो है उस रॉयल डिश की बलाई की एक कॉपी है, लेकिन ये एक रॉयल डिश नहीं है। तो जैसे शाही टुकड़ा, इसको नाम इसको दिया गया, बलाई तो इसे बोल नहीं सकते थे, इसलिए इसे नाम भी इसे रॉयल दिया गया और इसे शाही टुकड़ा कहा गया। इसी तरीके से हम ये सारी ब्रेड जो है हम इसकी इस तरीके से बना लेंगे। और अब हम इसकी चाशनी बनाएंगे। चाशनी हम इसकी दूध में बनाएंगे। इसके लिए हमने ये 1 कप दूध लिया है, बड़ा मग जो होता है वो दूध का लिया है हमने, और उसके बराबर ही हम इसमें चीनी डालेंगे। वैसे जो है जनरली इसकी जो चाशनी है वो पानी में बनाई जाती है, लेकिन मैं दूध में बना रही हूँ। इसका फायदा होगा वो भी मैं आपको बताऊंगी। इसे हम बॉईल करेंगे जब तक कि अच्छे से ये जो है 2-3 मिनट बॉईल कर लेंगे। और ये केसर हमने इसमें डाल दिया है, 1 पिंच केसर आप डाल देना। और ये 2-3 हरी इलायची, इनको थोड़ा तोड़ के डालना, मुंह खोल के इनका डालना, तो इससे इसकी स्मेल बहुत अच्छी होगी। और साइड में हमने इसके लिए देसी घी जो है वो बॉईल करने के सॉरी गरम करने के लिए रख दिया है। तो हम इसे अब चाशनी को पका लेते हैं। और ये बड़ा पैन मैंने इसलिए लिया है ताकि दूध निकले नहीं, दूध उबल कर निकलने लगेगा, तो इसलिए हमने इसे स्लो पर हम साइड में रख के इसे पका लेंगे। तो मैं इस बता रही थी आपको कि इस चाशनी को दूध में बनाने का फायदा ये होगा कि हम इसकी जो रबड़ी बनाएंगे वो इसी चाशनी में बना लेंगे। ये जो हमने तेल है हमारा, घी जो है गर्म हो रहा है, अब हम इसे तल लेंगे, ब्रेड्स को फ्राई कर लेंगे, डीप फ्राई। और ध्यान रखना कि ब्रेड बहुत जल्दी से ब्राउन हो जाती हैं, तो आप तेल अगर ज़्यादा गर्म हो तो आप उसे स्लो कर देना गैस को। और इसके जो कलर का बहुत ध्यान रखना है कि ये ज़्यादा ब्राउन ना हो जाए, ये गोल्डन ब्राउन होने चाहिए। ज़्यादा ब्राउन हो गई तो फिर ये अच्छी नहीं लगेंगी, शाही टुकड़ा जो है हमारा उतना अच्छा नहीं बन पाएगा। तो इस तरीके से इन्हें जो है लाइट ब्राउन आपको करना है। जब हम घरों में अपनी कोई डिश बनाते हैं, ये देखिए हमारी चाशनी बॉयल हो रही है, तो हमारे पास जो मिठाइयाँ होती हैं उसमें जो है वेस्ट बहुत जाता है घर में, क्योंकि हलवाई तो बार बार उस चीज़ को यूज़ कर लेते हैं, हम घर में बार बार उसे यूज़ नहीं कर पाते हैं। जैसे हमने अब ये चाशनी बनाई थी, चाशनी बच जाएगी, इसी को काम में वो कई बार नहीं ले पाते हैं उसे। तो इससे क्या होगा कि हम इसी चाशनी, बची हुई चाशनी में हम रबड़ी बना लेंगे और फिर वो रबड़ी को यूज़ कर लेंगे। अगर रबड़ी बचेगी तो उसे तो आइसक्रीम वगैरह बनाने में यूज़ कर सकते हैं, या बच्चे ऐसे भी खा लेते हैं। तो इसी तरीके से देखिए, हमने ये ब्रेड सारी जो है गोल्डन होने तक फ्राई करनी है। ये डिश जो है बहुत टेस्टी बनती है और इसको बनाना भी कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, बहुत सिंपल है तरीका और बहुत अच्छा डिजर्ट है ये। तो इस तरीके से आप देखिए, इन्हें सारे को फ्राई कीजिए। इसी तरीके से आप गोल्डन ब्राउन होने तक अपनी सारी उनको फ्राई कर लेंगे, और साथ में हम चाशनी चेक करते रहेंगे, उसे हिलाते रहना है ताकि वो साइडों में
लगे नहीं, टर्न कर दीजिए। और ये देखिए हमारी चाशनी जो है ये बन चुकी है, ये कलर इसका अच्छा, काफी अच्छा होगा। ये मलाई के टुकड़े आपको दिख रहे हैं, इससे कोई टेस्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपको ज्यादा ही हो तो आप उसे छान भी सकते हैं, लेकिन ये इसी तरीके से मैं यूज करूंगी। अब हम इसमें अपनी ये ब्रेड सोक कर देंगे, और ये चाशनी भी गर्म है और ब्रेड भी जो है गर्म गर्म साथ साथ सोक करना आप। और अब इसको आपको सोक करने में ध्यान रखना है कि आपको उसको बहुत देर सोक नहीं करना है, 5 to 10 सेकेंड से सोक करना, क्योंकि ये मुशी नहीं होनी चाहिए। ये जो है थोड़ा सा इनमें जो है हार्डनेस तो है थोड़ी सी रहनी चाहिए, ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर आपको बहुत ही सॉफ्ट पसंद है तो आप इसे 15 to 20 सेकेंड भी सोक कर सकते हैं। इसे टर्न कर दीजिए, दोनों साइड से सोक हो जाएगी। और इसे फिर हम प्लेट में निकाल लेंगे, किसी भी बर्तन में आप इसे ट्रे में निकाल सकते हैं। इस तरीके से आप इसे पलट कर, मैं इन्हें 5 to 10 सेकेंड ही सोक करूंगी क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा सॉफ्ट ब्रेड नहीं चाहिए, थोड़ी सी क्रिस्पी ही चाहिए। ये देखिए ये हमने निकाल दी है, और ये हम दो दो ब्रेड रखेंगे एक के ऊपर एक, इसलिए इस मिठाई को कई बारी डबल का टुकड़ा भी कहते हैं। तो हम इसे दो दो ब्रेड ऐसे रख देंगे। इससे हमारा एक फायदा ये होगा कि जो ये चाशनी है वो सारी की सारी चाशनी नीचे वाली ब्रेड में चली जाएगी, तो उससे हमें ये फायदा होगा कि जब हम इस पे रबड़ी डालेंगे तो ऊपर की ब्रेड जो है वो रबड़ी को जल्दी से एब्जॉर्ब कर लेगी, सोख लेगी, क्योंकि इसे सर्व डबल उसमें किया जाता है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि रबड़ी जो है ऊपर की ब्रेड में ज्यादा है। इस तरीके से सारी ब्रेड जो है आप दो दो करके इसमें रख दीजिए, और फिर हम इसके लिए हमारी रबड़ी बनानी शुरू करेंगे। ज्यादा देर नहीं लगेगी रबड़ी बनाने में, बहुत जल्दी बन जाएगी। ये हमने सभी ब्रेड अपनी रख दी है। बहुत ही अच्छा डिजर्ट होता है ये। हमने सारी अपनी ब्रेड निकाल कर इसमें रख दी है, और अब हम इसके लिए इसकी रबड़ी बनाना शुरू करते हैं। ये हमने वही चाशनी ली है दूध में जो बनाई थी हमने, और ये इसको आप छान लीजिए अगर आपको छानना चाहते हैं तो, क्योंकि इससे इसके ब्रेड क्रम्स हैं और इलायची वगैरह सब निकल जाएगी। तो लेकिन मैं इसे ऐसे ही यूज कर रही हूँ, ये पहले ही काफी थिक है। अब हम इसमें थोड़ा एक कप दूध डालेंगे। ये जो है मैंने घर पे दूध को जो है गाढ़ा किया हुआ है, कंडेंस मिल्क से नहीं बोल सकते क्योंकि ये बहुत गाढ़ा नहीं है और इसमें शुगर नहीं है। शुगर मैंने इसलिए नहीं डाली क्योंकि हम शुगर घर में कम खाते हैं, तो रबड़ी में शुगर जो है वो ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसकी जो चाशनी है उसमें भी बहुत शुगर है पहले से, तो इसलिए हम उसमें और शुगर नहीं डाल रहे हैं। आप बाजार का कंडेंस मिल्क भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उसे कम डालिएगा क्योंकि वो मीठा होता है, तो कहीं ऐसा ना हो कि रबड़ी बहुत मीठी हो जाए। और वैसे अगर आप ज्यादा मीठा खाते हैं तो आप उसी अकॉर्डिंग इसमें शुगर भी ऐड कर सकते हैं, या कंडेंस मिल्क ज्यादा डाल के उसे ज्यादा मीठा कर सकते हैं। अब हम इसे बॉईल होने देंगे, और साइड से आप इसे स्क्रैच करते रहना इस तरीके से, ये साइड्स में ना लगे, इसे आपको लगातार जो है हिलाते रहना है और साइड से इसे हटाते रहना है। जो साइड में ये थिक होके साइड में लग जाएगा, तो आप इसे इस तरीके से बनाते रहे, उबालते रहिए, थोड़ी देर लगातार चलाते रहिए। अब मैं आपको एक तरीका बताऊंगी इसे क्विक वो करने का, ये है ब्रेड क्रम्स जल्दी बनाने का, एक चीटी करने का तरीका है ये जो रेस्टोरेंट और ढाबों में होटलों में जो है इसी तरीके से किया जाता है, क्योंकि इससे जो है एक तो ये जल्दी बनती है रबड़ी, और दूसरा ये सस्ती पड़ती है। इसके लिए हमने दो ब्रेड के साइड्स को हटा दिया था, कॉर्नर्स को हटा दिया था, और दो ब्रेड को क्रम्बल करके हमने इसमें डाल दिया है। ये डिपेंड करता है कि आपकी कितनी रबड़ी है, कितना आपके पास ये दूध है, उसी हिसाब से आप इसमें ब्रेड क्रम्स डालना।
मैंने दो ब्रेड के क्रम्स डाले हैं। अब मैं हम इसे पकाते रहेंगे थोड़ी देर तक, ये अच्छे से पक जाएगा तो उसके बाद हम इसे ब्लेंड कर लेंगे। या तो आप इसे थोड़ा सा ठंडा करके मिक्सर में ब्लेंड कर लीजिए, या फिर आप इसे हैंड ब्लेंडर से इसमें ही पैन में ही इसी तरीके से ब्लेंड आप उसको ब्लेंड कर लीजिए, वो भी हो जाएगा। लेकिन मिक्सर में करने के लिए आपको इसे ठंडा करना पड़ेगा। ये जो ब्रेड क्रम्स हैं ये नहीं दिखने चाहिए, इसमें दिख रहे हैं, तो इसके लिए हम इसे ब्लेंड कर लेंगे। जब आप हैंड ब्लेंडर से करेंगे तो ऐसे ही इसको गैस से हटा दीजिए और इसे कर लीजिए। लेकिन अगर आप मिक्सर में करेंगे तो आप ये ठंडा कीजिएगा, और ये जो इलायची है इसे अब ब्लेंड नहीं करना, ये इलायची को अलग कर देना क्योंकि ये ब्लेंड नहीं होनी चाहिए। तो अब हम इसे ब्लेंड कर लेते हैं। देखिए हमने इसे ब्लेंड कर लिया है, हमने इसे पैन में ही ब्लेंड कर लिया था हैंड ब्लेंडर से। अब ये बिल्कुल सॉफ्ट और गाढ़ी हो गई है हमारी रबड़ी, बहुत ही अच्छी रबड़ी है ये, टेस्ट में बहुत ही अच्छी है। अब आप गैस बंद कर देना, ये ध्यान रखना है आपको गैस बंद कर देनी है। और ये है गुलाब जल, या आप केवड़ा भी ले सकते हैं, गुलाब जल जो भी आप लेना चाहें ये लीजिए और ये डाल दीजिए। इसे सबसे एंड में डालना है और गैस बंद करने के बाद डालना है, नहीं तो इसकी जो स्मेल है वो सारी चली जाएगी। ये हमारी रबड़ी जो है ये बन गई है, इसे मिक्स कर दीजिए। और इसे अब हम अपनी जो हमने ब्रेड चाशनी में डुबो कर रखी थी उस पर डालेंगे, ये हम इस पर डाल देंगे, अच्छे से डालेंगे, सोक कर देंगे इसे। और इसे हम ठंडा सर्व करेंगे, इसे गर्म भी आप सर्व कर सकते हैं, जैसे भी आपको पसंद हो वैसे ही सर्व कर सकते हैं, लेकिन ठंडा ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अब हम इसे पहले अच्छे से सारी चाशनी इन पर डालकर सोक कर सकते हैं। आप छोटा बर्तन भी इसे में भी रख सकते हैं इन्हें, जो और ज़्यादा चाशनी जो है सोख हो जाएंगे, जैसे भी आपको ठीक लगे आप उस तरीके से कर सकते हैं। तो अब इसे आप कम से कम आधा घंटा या उससे भी थोड़ा ज़्यादा आप इसे फ्रिज में रख दीजिए और फिर उसके बाद सर्व कीजिए। इसे आप बिना रबड़ी डाले जो ब्रेड हमने बनाई थी वैसी की वैसी ब्रेड भी जो बच जाए तो आप उसमें चाशनी रबड़ी मत डालिए, और चाशनी में डूबी जो ब्रेड है उन्हें इसी तरीके से फ्रिज में रख लीजिए। नेक्स्ट डे जब आपको सर्व करना हो तो आप रबड़ी अलग से डालकर उन्हें सर्व कर सकते हैं। तो अब हम इसे फ्रिज में रख देते हैं और फिर हम इसे सर्व करेंगे। ये बहुत ही अच्छा इंडियन डिजर्ट है। और ये देखिए ये ठंडा हो गया है हमारे शाही टुकड़ा, और अब हम इसे सर्व कर सकते हैं। इसे इस तरीके से आप उठाइए और ये हमने प्लेट में डाल दिया। और ये देखिए रबड़ी जो है ये कितनी थिक रबड़ी हो गई है, इस तरीके से आप इसे उठा कर रख सकते हैं। और ऊपर से ये देखिए कितनी थिक रबड़ी है, इस रबड़ी को आप इस पर डालिए और सर्व कीजिए। सबको बहुत पसंद आएगा, बहुत ही टेस्टी होता है ये, बहुत ही हेल्दी, घर में बना हुआ है ये, इसमें कोई भी मिलावट की वो नहीं है। तो आप इसे बनाइए और सबको खिलाइए। आई होप आपको मेरा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, इसलिए आप इसे लाइक जरूर करें, इसे अपनी प्लेलिस्ट में ऐड करें, इसे दूसरों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बिकॉज योर सब्सक्रिप्शन इज माई इंस्पिरेशन। आप जल्दी ही हम फिर मिलते हैं अपने किसी नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।